शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन के पहले चरण का चौथा चक्र उत्साहजनक रहा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने भी टीका लगवाया। करीब 82% वैक्सीनेशन हुआ। पहली बार दूसरे दिन भी कोवैक्सीन का प्रयोग किया गया। ज्यादातर बूथों पर कोविशील्ड का ही प्रयोग हुआ। टीकाकरण में किसी प्रकार की दुश्वारी या परेशानी सामने नहीं आई। शुक्रवार को जिले के 35 अस्पतालों के 59 बूथों पर टीकाकरण की गई। हर बूथ पर 125 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया। इसमें 6225 लोगों को वैक्सीन लगानी थी। इसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखनाथ अस्पताल, होप पनेशिया, बॉम्बे हॉस्पिटल और शाही ग्लोबल के साथ ही सीएचसी पीएचसी शामिल थे। आपको बता दें, शुक्रवार को जिले में कुल 6225 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को 5132 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। शुक्रवार को 82.4% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें, टीकाकरण के दौरान हर जगह सुरक्षाकर्मी, वैक्सीनेटर व उनके सहयोगी तैनात थे। सबसे पहले गेट पर सुरक्षाकर्मी सूची से नाम मिलाने और परिचय पत्र देखने के बाद अंदर प्रवेश दे रहे थे। इसके बाद उनका सत्यापन व टीकाकरण किया जा रहा था। टीकाकरण के बाद 30 मिनट उन्हें ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखा गया। किसी की तबीयत खराब होने की कोई सूचना नहीं है। सभी स्वस्थ हैं। हर जगह इमरजेंसी दवाओं की किट रखी गई है। वैक्सीनेटर पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे थे या भी पूछ रहे थे कि नाश्ता करके आए हैं या नहीं। इस दौरान एम्बुलेंस को सतर्क कर दिया गया था ताकि किसी की तबीयत खराब हो तो तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों और जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, तो पता नहीं चलता करने की बात आई। इधर आइए, इधर आइए, इधर सर, आपका भी हो गया। हेलो, आपके बहुत महत्वपूर्ण क्या इसमें कुछ है नहीं? किसी को सही स्वरम किया था आज उसी कार्यक्रम में। मैंने अपना भी COVID-19 का वैक्सीनेशन करा लिया और इस संबंध में यही सबको बताना है कि जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। ये पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन है। अरे कोई रिएक्शन नहीं की कोविड का पालन करना है। मीना, मेरा मोबाइल देखती रहिए ना, मोबाइल नंबर बता दीजिए। आप काफी लगा नहीं था आज तो किसी का लिस्ट में नाम ही नहीं है। लेकिन ये है कि इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सूचना आपको आपके फोन पे मैसेज के थ्रू बताई जाए
कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी आपको जो कोविड के इंस्ट्रक्शन आप पहले फॉलो कर रहे थे उसको कोविड वैक्सीनेशन के बाद जैसे कि हैंड वॉश करना, मास्क यूज करना, दो गज की दूरी मेंटेन करना, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी फॉलो करते हैं। नहीं हमको डर नहीं लगता मेरा नाम डॉक्टर मुकुल द्विवेदी है, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मैं पोस्टेड हूँ। आज का टीकाकरण के सत्र में सबसे पहला टीका ही मुझे लगा है। मैं यहाँ पे जिला चिकित्सालय में हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ और मुझे लगभग 35 मिनट हो गया है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है और मुझे लगता है कि ये टीका जो है काफ़ी सेफ है और बढ़ चढ़ के हमारे सारे कर्मचारियों को ये टीका सबसे पहले लगवा लेना चाहिए। बाहर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं वो सब गलत हैं, वो सारी अफवाहें हैं, उन पर ध्यान ना दें और इस टीकाकरण को सफल बनाने के लिए सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे आएँ और अपना टीका लगवा लें। पवन कुमार सिंह, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर UNDP गोरखपुर। कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत जनपद में 16 तारीख से हुआ था। मैं भी सभी लोगों की भांति अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कल शाम तक मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ और उसके बाद जिला महिला चिकित्सालय में हमने अपना वैक्सीनेशन कराया। आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस माहौल में भी हम लोगों ने टीकाकरण कराया है और आगे भी हम सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अपना समय से आए और टीकाकरण कराएं। टीकाकरण को लेकर जो बाहर तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, इस संबंध में क्या कहना? ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है, अफवाहों पर न जाएं और देखें कि इससे पहले भी इस जनपद में बहुत से लोगों ने टीकाकरण कराया है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अपने साथ साथ जनता को भी सबको बताएं और जहां भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए। आपको कौन सा टीका लगाया गया है? कोविशील्ड। टीका लगवाने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले महसूस कर रहे थे वैसे ही हमको अभी भी लग रहा है। मैं डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टीवी सेंटर पर पोस्टेड हूँ। नहीं, मैंने अभी टीका लगवाया है और 20 मिनट हो चुके टीका लगा, लेकिन अभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी जानकारी के हिसाब से तो किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है, तो जो भी अफवाह फैलाई जा रही है उस पर लोग ध्यान ना दें और अपना टीकाकरण कराएं निश्चिंत होकर। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, आर्थो सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर। हमको 25 मिनट पहले टीका लगा है आज पे यहाँ पे और अभी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कौन सा टीका लगाया? ये कोविशील्ड। जो इस टीकाकरण को लेकर जो बाहर तमाम तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और टीका लगा है, काफ़ी हमारे और कोलीग को टीका लगा है जिनको जो है पिछले हफ्ते से लगना शुरू हुआ है यहाँ जिले अस्पताल में और अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। इसके पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ था यहाँ पर काम करने के दौरान और उसके बावजूद ये वैक्सीन लगवा रहे हैं हम लोग और ये पूरी तरह से सेफ़ है, जो है इंडोजीनियस वैक्सीन है, इसकी विदेशों में भी डिमांड है और यहाँ पे भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरी तरह से इम्यूनाइज हो रहे हैं और जो एंटीबॉडी टाइटर है सबका जो है इससे बढ़ेगा और जो कोरोना महामारी है उससे लड़ने में यह मील का पत्थर साबित होगा। आज हमने COVID-19 के बचाव के लिए इसका वैक्सीनेशन कराया है, ये पूर्णतः सुरक्षित है और इंडिया में बनी वैक्सीन भी पूर्णतः सुरक्षित है। हमारे यहाँ की बनी वैक्सीन की विदेशों में ही मांग है, इससे साबित होता है कि कितनी कारगर और सुरक्षित है।
इसमें किसी भी तरह के अफवाह में ना जाएं, और जब भी आपका नंबर आता है आप इसका टीका लगवाएं। सर, टीका लगवाने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत हुई आपको? नहीं, मुझे 10-15 मिनट हो गया, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आपसे बात कर रहा हूँ, यही उदाहरण है कि मुझे अभी कोई परेशानी नहीं है।